ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पेरिस आता है, पर यहाँ वो दो ऐसे भाई बहन से मिलता है जिनकी हरकतें देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ड्रीमर्स, जो 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते है जिसका नाम मिथ था। मिथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। उसे मूवी देखना काफी पसंद था। एक दिन जब वो मूवी देखने जाता है तब वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल था। वो मिथ से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है, तुम यहाँ अकेले ही आते हो। तब मिथ कहता है कि मुझे अमेरिका से आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, इसलिए यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तब इसाबेल उसे अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम थियो था। वो तीनों बैठ कर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वहाँ लाठीचार्ज कर देती है जिसे बचकर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मिथ उनसे मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर पहुंचकर मिथ अपनी मॉम को एक लेटर लिखता है, पर जब से वो इसाबेल से मिला है वो बस उसके बारे में ही सोचने लगता है। अगली सुबह मिथ को थियो का कॉल आता है, वो उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। मिथ जब उसके घर जाता है तब इसाबेल उसे अपनी मॉम डैड से मिलाती है। अब डिनर के टाइम इसाबेल के डैड बहुत सारा ज्ञान बांटने लगते है, पर मिथ का ध्यान तो बस एक ही चीज पर था, वो थी इसाबेल। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मिथ को आज रात यहीं रुकने को कहती है। अगले दिन इसाबेल के मॉम डैड को किसी काम से बाहर जाना था, पर जाने से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ते हैं ताकि वो इस घर में आराम से रह सके। उनके जाने के बाद मिथ इन दोनों से कहता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पर वो दोनों उसे नहीं जाने देते। इसाबेल मिथ को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई को भी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिथ को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद थियो उसे उसका कमरा दिखाता है। रात को मिथ की नींद उड़ जाती है। जब वो टॉयलेट से वापस आ रहा था तब उसकी नजर उन दोनों भाई बहन पर पड़ती है जो बिना कपड़ों के एक ही बेड पर सोए हुए थे। ये देखकर मिथ की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि अब तक वो इसाबेल के सपने देख रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगली सुबह इसाबेल मिथ को जगाने आती है। वो उस पर चढ़कर उसे किस करती है। ये देखकर मिथ डर जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहना था। इसके बाद इसाबेल उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के नहा रहा था। ये देखकर मिथ थियो से कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ है, तुम बिना कपड़ों के उसके सामने कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों ये सब करने में कोई शर्म नहीं रखते। थियो मिथ से कहता है कि हमारे डैड एक महीने तक घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ इस घर में रह सकते हो। मिथ इसाबेल पर लट्टू था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ रहने लगता है। एक रात ये तीनों गेम खेलते हैं जिसमें दोनों भाई बहन एक्ट करते हैं और मिथ को उस मूवी का नाम बताना था, पर अगर वो हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। पर यहाँ मिथ वो गेम जीत जाता है। तब वो दोनों भाई बहन कहते हैं कि हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ हमें एक गेम पूरा करना था। इसके बाद ये तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते है, वहाँ वो तीनों रेस लगाते है, यही उनका डेयर था। वापस लौटते टाइम बारिश होने लगती है जिसे ये तीनों भीग जाते हैं। जब ये तीनों घर आते हैं तब थियो मिथ को अपने कपड़े देता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। यहाँ अलमारी से मिथ को एक इसाबेल की फोटो मिलती है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेता है। जब थियो वापस आता है तब वो तीनों साथ में बैठ कर ड्रिंक करते है। इसाबेल फिर से वही गेम खेलने लगती है, पर इस बार वो थियो के साथ खेल रही थी जिसमें थियो हार जाता है। तब इसाबेल उसे एक डेयर देती है जिसमें थियो को एक फोटो के सामने हिलाना था। थियो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने हिलाने लगता है। इसाबेल के लिए तो ये नॉर्मल था, पर मिथ की ये सब देखकर फट जाती है। अगले दिन मिथ थियो से कहता है कि मेरी भी तो सिस्टर है, पर उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम करने को नहीं कहा। तुम दोनों ये सब कैसे करते हो और क्यों करते हो। तब थियो उसे कहता है कि हम दोनों जुड़वा है, जब हम दोनों पैदा हुए तब हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है पर हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन फिर से ये तीनों गेम खेलने लगते हैं, जिसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उस मूवी का नाम गेस करके बताना था। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। पहले तो थियो एक मूवी को एक्ट करता है, पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता जिस वजह से मिथ और इसाबेल को एक डेयर पूरा करना पड़ता है।
थियो उन्हें सबके सामने घपाघप करने को कहता है। अब डेर के मुताबिक इजाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन मिथ की फटके हाथ में आ जाती है, इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है और दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। तब मिथ के प्राइवेट पार्ट में इजाबेल की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मिथ और इजाबेल घपाघप करते हैं। यहाँ मिथ को पता चलता है कि इजाबेल अभी भी वर्जिन है। इजाबेल मिथ को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते जरूर है, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। ये सुन के मिथ उसे कहता है कि अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को पता चली तो क्या होगा। इजाबेल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो सुसाइड कर लेगी। कुछ दिनों बाद इजाबेल और थियो के पास पैसे जो थे वो सारे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो काफी अय्याशियां कर रहे थे। अब इजाबेल घर के राशन से खाना बनाती है, पर वो खाना कोई भी नहीं खाता। अब पैसे न होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ता है। एक दिन मिथ और थियो एक ही टब में नहा रहे थे, तब इजाबेल वहाँ आती है और उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच इजाबेल मिथ से कहती है कि तुम हमसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। अब ये बोलकर वो दोनों मिथ के घोंसले को काटने लगते हैं। मिथ को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो इन दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। मिथ इजाबेल से कहता है कि आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई का कहना मानती हो। मिथ के ऐसे कहने पर इजाबेल उसके साथ डेट पर जाती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और उसे घर लाकर उसके साथ घपाघप करता है। जब मिथ और इजाबेल घर आते हैं, तब इजाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देख कर इजाबेल को काफी जेलस फील होता है और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद थियो और मिथ साथ में वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ इजाबेल आती है और वो उन दोनों को टेंट में ले जाती है, जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। अब ये तीनों बिना कपड़ों के ऐसे ही सो जाते हैं। जब सुबह उसके मॉम डैड घर पे आते हैं, तब वो उन लोगों को बिना कपड़ों के सोते हुए देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन वो उनको उठाए बिना उनके लिए एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। जब इजाबेल उठती है तब उसे वही चेक मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को सब पता चल गया। इसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन बाहर रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसे उनका एक पत्थर खिड़की से घर में आ जाता है, जिसे ये दोनों भी जाग जाते हैं और ये तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे जाके रास्ता रोक रहे पुलिस वाले पर पत्थर फेंकने लगता है। मिथ उसे काफी समझाता है, पर वो मिथ की कोई बात नहीं सुनता। इजाबेल भी थियो का साथ देने लगती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मिथ उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सब पर लाठी चार्ज कर देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।